यहाँ पे एक आदमी का नाम जिसका मैं अगर नहीं लूँ तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, मैं कर जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आप लोग उसके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं, बल्कि खड़े होकर उसके लिए आप अप्रिशिएट करें। मैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त प्रदीप निजाम इंग्लिश, इनके बगैर ये प्रोग्राम नहीं होता। उन्होंने हम लोगों को ट्रैक कर रखा, हम लोगों को एनकरेज करा, हम लोगों को लाइन में रखा। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग की आमद का। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की तशरीफ आवरी हमारी हौसला अफजाई करती है और आइंदा हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे अगर आप लोगों की हौसला अफजाई की फिर जरूरत पड़ेगी। कुछ साथियों से मैंने बात नहीं की तो मैं समझता हूँ टू बी कंटिन्यू कि जिन्हों से आपने बात नहीं की गुफ्तगू नहीं की वो नाराज ना हो जाए। हमारे सुहेल भाई बैठे रहे, इनसे बात नहीं हो सकी। सुहेल हमारे बैचमेट हमारे साथी थे और आपने बता दो कुछ अपने बताने क्या होता आपको बताने बॉडी बहुत क्या बस क्या सुनना चाहते हैं हमें बताइए, खड़ी खड़ी सुनना चाहते तो बताते। बहुत मजा आया यहाँ पे आके माशाल्लाह। मैं आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ, सब मैं एनडी के पास से गुजरता हूँ तो अजीब से मेरी इंटरनल फीलिंग्स होती है और आज भी मैंने उतरते ही हल्के सलूट किया एनडी को, गाड़ी से उतरती मैंने सलूट किया, कोई नहीं था, कोई नहीं देख रहा था मुझे। एक मेरा पता नहीं कि एक इंटरनली फीलिंग है कि मिलाजमत यहाँ से जो दिखा और जो आज जिस हाँ हम तो निकाले गए थे यहाँ से, निकले नहीं है हम, वो कहते निकल गए आप लोग, निकले नहीं हम, निकाले गए थे, जा नहीं रहे थे। इस बैच में भी हम 93 बड़ी मुश्किल से निकाले गए थे। एक अफसर साहब जो है मोहम्मद अफसर बैठे हुए यहाँ पे, मुझे याद तो नहीं आ रहा कि ये कोई अफसर है। मैंने भी पूछा इनसे नदीम से कि भाई ये अफसर वही है जो पुराने वाले दोस्त थे, शायद सिविल से ट्रांसफर हुए थे आप? नहीं, ये वो अफसर नहीं है। मैं इनका एक वाक्य सुना देता हूँ, अफसर का एक अफसर हमारे साथ होते थे, अभी बच रहे इस वक्त। अफसर साहब को बहुत शौक था, वो सिविल से ट्रांसफर हो गए थे, पुरानी यादें थी सिविल की, तुमने बताया सिविल में बड़ी बढ़िया किस्म की होती थी, तो वो अफसर उन्हीं के साथ बैठे रहते थे। मैकेनिकल में होने के बावजूद भी इनका ग्रुप वही था, तो हम अफसर जैदी हो गया, वो है नहीं मेरे खाली मौजूद ही है, बुराई तो खैर नहीं कर रहा, मैं छोटा सा चुटकुला है उनका। तो हम कहते भाई तुम करते क्या रहते हो, कहते लड़कियां बड़े मजाक उड़ाती है मेरा, मुझसे कहती है भाई तुम्हारा नाम तो अफसर रखा है घर वालों ने, उन्हें पता था बड़े होकर तो चपरासी बनोगे तुम, इसलिए कम से कम अफसर कहकर तुम बुला लेंगे। अब्बा जी जो है अफसर बैठा इधर आओ, अफसर बैठा इधर आओ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान एक बहुत ही शरीफ सच है और उसने इंजीनियरिंग करने के बाद इससे बेहतर पेशा जो अख्तियार किया और मैं गुजारिश करूँगा अंसरान से आज का बिजनेस उसको कैरी ऑन कर रहा, अपना फादर का बिजनेस है और बड़े खुशी की बात है कि इतने इतने साल बाद हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और दुआ ये करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह हम लोग मिल बैठ के एक दूसरे की फीलिंग शेयर करें और खुशी खुशी आपस से मिले जुले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खालिद अली खान प्लीज, खालिद अली खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे वालिद भी जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब करते थे, जिसके अंदर नाम मेरे कोई लोग खालिद डालमिया के नाम से पुकारते हैं, तो वो डालमिया की सीमेंट इंडस्ट्री थी और उसके बाद भी मैंने ग्रेजुएशन के बाद भी सीमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की है और आजकल मैं अटक सीमेंट में एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। तो आप लोग को बड़ा बड़ा सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं, हमारी पुरानी यादें याद आ रही हैं। इस्लाउद्दीन कनाडा से आए हैं, खसूसी तौर पर हमारे साथ हैं। बाकी एक नाम इसला है, लोग प्यार से पहले असला कहते थे मुझे और डिग्री मुझे या मैकेनिकल की मिली है लेकिन सिविल में ज़्यादा टाइम गुजारा है मैंने और बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे साथी हैं फरीद शमीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरीद शमीम है और मैं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स के तौर पे काम कर रहा हूँ और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका हमें प्रोवाइड किया कि हम सब यहाँ पे एक जगह जमा हो और थोड़ा भी आज उनको ताज़ा करें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं भी जो है एक हाउस ऑफ हबीब ग्रुप कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंप्लायंस और ट्रेनिंग का शोबा जो है वो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने पुरानी बातें की तो एक पुरानी बात मुझे भी याद आई, ये कि कुछ क्लासेस लेने का एक हब था, कुछ क्लासेस मैं मिस नहीं करता तो मेरे जो नोट्स होते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने ज़बरदस्त पॉपुलर होते थे और मुझे इस कॉपी देख के याद आया, एक दिन मैं वाइवा के लिए बाहर बैठा था तो मुझे हू बहू मेरी कॉपी की जबरदस्त फोटो कॉपी नजर आई
और मैंने पता नहीं मैं यहाँ ही शायद कोई साहब बैठे हूँ तो मुझे मुझे यार ये इतनी कॉपी पूरी तो कर ली लेकिन फ्रंट पेज भी किया उसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ तो उन साहब ने मुझे कहा कि यार सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा मतलब अल्लाह अकबर ये आता ठीक है तो उस वक्त ना फोटो कॉपी का बड़ा रिवाज था और बड़ी जबरदस्त चीजें जो है वो होती थी तो बस ये एक रिकॉल की थी मेमोरी बाकी डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किए इंशाल्लाह अच्छा अच्छा ठीक है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम दोबारा मिलेंगे बहुत शुक्रिया जलील साहब बैठे हैं ये अस्सलाम वालेकुम जलील खान मेरा नाम है एबीएस इंजीनियरिंग में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बैकग्राउंड रहा है फैब्रिकेशन क्वालिटी कंट्रोल के अंदर और अब आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोग साथ में हाफिज अबीदुर रहमान हमारे क्लासमेट बैठे हैं और बेसिकली मैं इनको चचा कहता हूँ ये अस्सलाम वालेकुम जो अभी नदीम निजाम ने जैसा कहा कि चचा का तो ये मेरा नदी इस तरह होते हैं कि हमारे सब आलिम दीन थे हाफिज कुरान आलिम दीन थे उनका उनके शागिर्दों में एक थे कयामुद्दीन सैयद कयामुद्दीन निजामी जो नदीम निजामी के वाले साहब हैं तो चूंकि ये मेरे वालिद के शागिर्द के बेटे हैं इसलिए मैं को भतीजे बाकी ये बहुत मोहब्बत से मिलते हैं और आप सबका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इतने अरसे के बाद सबको देखना और मिलना हो रहा है और अच्छा अब ये हमारे शाह आलम साहब ने व्हाट्सएप पे चल रहा था कि बच्चों को लाएं या नहीं लाएं तो शाह आलम ने कहा कि वो बुढ़ा पार्टी में बच्चे क्या करेंगे तो मैंने इनसे कहा कि भाई कुछ ना कुछ ज्ञान सीख के जाएंगे तो एक चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो बच्चों बड़ों सबके लिए है कि आप जो भी काम करो उसको उसमें आप एक्सेल करो आप उसमें कमाल हासिल करो फारसी में भी कहते हैं कि कस्बे कमाल कुन के अजीज जहां शरीफ ये बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी का भी किसी का मोनोग्राम है इसका मतलब ये है कि कमाल हासिल करो कि दुनिया के प्यारे बनो तो यहाँ मसला ये है अच्छा दूसरी चीज़ ये कि मैं पेरेंट्स को भी और जो बच्चे भी हैं उनको भी ये मैं कहूँगा कि आपने जैसे आगे बढ़ना और एक्सेप्ट करना है तो पहले उस चीज़ को समझें और सिर्फ ये नहीं कि जो ट्रेंड चल रहा है आप उस ट्रेंड के पीछे आपने चलना शुरू हो गए चलो तुम उधर तो आओ जिधर तुम वो ना करें आप सोचें समझें कि आपने क्या बनना है और क्या पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है उसको लेके चलेंगे और अपनी मर्जी से आप चलेंगे तो आप इंशाल्लाह उसको अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे बेहतर कर सकेंगे और जैसे मेरा बेटा है वो कहता है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा मैं सीए करूँगा मैंने कहा ठीक है वेल फाइन हालांकि मेरी ख्वाहिश ये है कि वो इंजीनियरिंग करे लेकिन वो कहता है कि नहीं तो ठीक है तो पेरेंट्स को चाहिए कि ज़बरदस्ती ना करें बच्चों के साथ और बच्चों को भी चाहिए कि अच्छे से दिल लगा के पढ़े कमाल हासिल करें अपना अपने वालदैन का और अपने शहर का मुल्क का नाम रोशन करें थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया अबीदुर रहमान के बारे में मैंने सुना है कि क्योंकि इनके फादर जो है वो आलिम दीन थे वो चाहते थे कि हाफिज हों और इनकी वालदा चाहती थी कि इंजीनियर हों तो माशाल्लाह से ये हाफिज अबीदुर रहमान इंजीनियर तारीख से वाकिफ हैं जो लोग उन्होंने रखा है नाम अली सिकंदर नहीं रखा तो अली हैं और अली के साथ अगर मोहम्मद हो मोहम्मद अली तो क्या बात है मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में जनरल मैनेजर काम करता हूँ हम सिर्फ नोट ही नहीं बनाते बल्कि डिग्री एनडी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी प्रिंट करते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पासपोर्ट जितने भी आपकी नेशनलिटी जो बात जिससे आप ये साबित करते हैं पाकिस्तान हम सब वो प्रिंट करते हैं अच्छा यादगार चीज़ें आपको मैं दो चीज़ें यादगार आपके बताता हूँ बल्कि सबको याद होगा जब हम टूर में गए थे तो ऊपर से एक बैग गिर गया शीशा टूट गया था तो सुनील साहब बड़े गुस्से में उसने कहा जिसका यह बैग है वो हमारे साथ टूर कंटिन्यू नहीं करेगा कराची जाए वापस तो ग्रुप के सारे लड़के पार्टी के सारे लड़के आगे सर ये भी जाएंगे पूरी बस आज यहाँ से नहीं जाएगी तो मेरा ही बैग था फिर सुहेल साहब ने मुझे कहा मोहम्मद ही तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जब मेरा वाइवा हुआ जितने भी मैं सवाल के सही जवाब देता हूँ हर सवाल में कहता गलत हर सवाल में गलत मैंने कहा सर आप जीरो लेते हैं मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछा तो उन्होंने मुझे जीरो दिया था बाद में बुलाकर करने में सही किया था और एक दूसरा वाक है सोमरो साहब थे हमारे यहाँ
क्लास में पढ़ाते लेक्चर देते हैं और वीडियो करवा रहे हैं। मैं क्लास में जरा लेट आया था, किसी क्लास के लड़के ने चौक फेंका था, तो मेरे पास वो पीछे भागते हुए ऑडिटोरियम से निकलते हुए कॉरिडोर तक मेरे पीछे मुझे मारने के लिए भागे थे। ये दो चीजें मैं आज तक नहीं भूला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। और आई एम अ सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स की बुक्स और CCPS के अंदर मैं सर्टिफाइड उनकी तरफ से हैज़ॉप ट्रेनर हूँ। अगर NDU कभी जरूरत होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आई कम हियर ऑल द वे फ्लाई फ्रॉम अबू धाबी, आई गिव अ लेक्चर व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मेरे ऊपर किस यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े कर्जे हैं जो मुझे उतारने। थैंक यू वेरी मच। ऐसे लेंगे सब लोग, प्लीज यहाँ देखिए गए। यस सब फॉर्मेशन प्रोग्राम करवा दें।